ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नागौर की बेटी ने गुरुवार को जयपुर के SMS अस्पताल में जिंदगी का दामन छोड़ दिया। 4 फरवरी को एक नाबालिग समेत 2 दरिंदों ने गैंग रेप के बाद खाई में फेंक दिया था। 6 दिनों तक खाई में तड़पती रहने के बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 8 दिन से ये महिला SMS हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर थी। गुरुवार को पीड़िता ने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में पुलिस जांच में लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। नागौर सांसद और RLP के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सख्त नाराजगी जताई है। बेनीवाल ने लापरवाही बरतने वाले पुलिस के अफसरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने का भी आरोप लगाया है। सांसद बेनीवाल ने नागौर में बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताई है। मामला बढ़ता देख डीडवाना SHO और एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस बेहद शर्मनाक वारदात पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने नाराजगी जताई है। बेनीवाल ने कहा कि विगत दिनों नागौर जिले के डीडवाना थाना क्षेत्र में अचेत व गंभीर अवस्था में मिली एक दलित महिला ने अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए आखिरकार दम तोड़ दिया। महिला की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद से लेकर अब तक पूरे मामले में पुलिस का जो रवैया सामने आया है उससे यह जाहिर हो रहा है कि पुलिस ने मामला संज्ञान में आते ही संवेदनशीलता नहीं दिखाई। सांसद बेनीवाल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि महिला के लापता होते ही पूरा प्रकरण एडिशनल SP डीडवाना के संज्ञान में आ गया। उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई और वर्तमान डीडवाना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जो लंबे समय तक नागौर जिले में वृत्ताधिकारी पद पर कार्यरत रहे उनकी लचर कार्यशैली के कारण उन्हें उस समय भी शिकायतन हटाया गया, इसलिए उन्हें यहां से तत्काल हटाया जाए। साथ ही पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच होकर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि पुलिस के अफसरों और कार्मिकों की भूमिका की भी जाँच होनी चाहिए क्योंकि अपराधियों और पुलिस महकमे के जिम्मेदारों के मध्य महिला की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद से लेकर अब तक कई बार बातें हुई जो कॉल डिटेल के माध्यम से सामने आएगी और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले व मृतका के आश्रितों को आर्थिक पैकेज भी दिया जाए। सांसद बेनीवाल ने मामले में राजनीतिक लोगों के मिले होने के भी आरोप लगाए और कहा कि प्रकरण में पुलिस लीपापोती करके घटना के कुछ जिम्मेदारों को बचाने का प्रयास कर रही है। साथ ही अपराधियों को सत्ता पक्ष के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए भी पुलिस मामले में ढिलाई बरत रही है। सांसद बेनीवाल ने पूरे मामले को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक से दूरभाष पर वार्ता करके घटना में संलिप्त सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने व उच्च स्तरीय निष्पक्ष अनुसंधान करने के निर्देश दिए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।